नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग के बारे में। देखेंगे कि अभी किस संदर्भ में ये चर्चा का कारण बनी हुई है, और आखिर एक शब्द आप लोग सुनते हैं सॉवरेन, ये आखिर होता क्या है, या फिर संप्रभु रेटिंग भी कहते हैं इसे। और क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग घटाने के कारण क्या है, और प्रमुख क्रेडिट एजेंसियां क्या क्या है उस पर भी बात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग का महत्व हमारे लिए क्या है, क्यों जरूरी होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी देखेंगे, और भारत की गिरती क्रेडिट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भी बात करेंगे, और रेटिंग में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकते हैं उस पर भी बात हम लोग करने वाले हैं। चर्चा का कारण, COVID-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने का प्रतिकूल प्रभाव जीडीपी, रोजगार समेत भारत की क्रेडिट रेटिंग पर भी पड़ा है। एक के बाद एक करके सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी में संभावित वृद्धि दर को कम करते हुए भारत की क्रेडिट रेटिंग को भी कम कर दिया है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी देश हो, आपका अमेरिका हो, चीन हो, कोई भी देश हो, सभी की अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, ठीक है, हालत बुरी हो गई है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने लगातार 13वें साल में भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB BBB के सबसे निचले निवेश ग्रेड में बरकरार रखा है। S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति को 2021 से पहले से पटरी पर आ जाएगी, यानी कि 2021 तक यही हालत रहेगी। S&P ने भारत का आउटलुक स्थिर रखा है, लेकिन इसके साथ चेतावनी भी दी है कि लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए जोखिम बढ़ रहा है। इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 1 जून 2020 को भारत की संप्रभु रेटिंग को सबसे कम निवेश ग्रेड में बदल दिया है। रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को BAA2 से घटाकर BA3 कर दिया है, और आउटलुक नकारात्मक ही दिखाया गया है इसमें। रेटिंग एजेंसी के अनुसार यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता और ऋण सामर्थ्य की तुलना में अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि प्रेरित है। BAA3 सबसे कम निवेश ग्रेड है और नकारात्मक आउटलुक भविष्य में और अधिक गिरावट की संभावना को दर्शाता है। क्या होता है सॉवरेन और संप्रभु रेटिंग? अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां विभिन्न देशों की सरकारों की उनके उधार चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग का निर्धारण करती है। इसके लिए वह अर्थव्यवस्था, बाजार और राजनीतिक जोखिम को आधार मानती है। किसी देश की सॉवरेन रेटिंग यह बताती है कि वह देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका सकेगा या नहीं। देश की यह रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। जंक ग्रेड वाली रेटिंग को डिफॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। आपने भी देखा होगा आपकी जिंदगी में भी कई तरह की ये क्रेडिट रेटिंग होती है बैंक में। अगर आपकी स्थिति अच्छी रहती है तो आपको लोन आसानी किस्तों में और कम ब्याज दर पर मिल जाती है। आपकी रेटिंग खराब होती है तो कम, मतलब बहुत जोखिम भरे समय में ही दिया जा सकता है ऋण, और रेट जो ब्याज की दर होगी वो उच्च होगी। और अगर बिल्कुल खराब आपकी रेटिंग है क्रेडिट रेटिंग, तो आपको उधार भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि ऋण नहीं दिया जा सकता है। तो यही हाल देशों पर भी लागू होते हैं। क्रेडिट घटाने के कारणों की बात करें तो मूडीज ने भारत की संप्रभु रेटिंग को घटाने का यह फैसला लेने के 4 मुख्य कारण बताए। 2017 से आर्थिक सुधारों का कमजोर क्रियान्वयन, पिछले कई वर्षों में लगातार अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास, सरकारों की राजकोषीय स्थिति में भारी गिरावट, भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ता तनाव। पिछले साल नवंबर में ही मूडीज ने भारत की BAA2 रेटिंग के आउटलुक को स्थिर से नकारात्मक में बदल दिया था, क्योंकि जोखिम बढ़ रहे थे। क्या है आखिर क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग वित्तीय साधन या फिर वित्तीय इकाई से जुड़े क्रेडिट जोखिमों का विश्लेषण है। व्यापार वित्तीय जोखिम प्रबंधन, गुणवत्ता और ऋण की क्षमता के व्यापक विश्लेषण के बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किसी देश, संस्था या फिर व्यक्ति को एक रेटिंग दी जाती है।
क्रेडिट रेटिंग का यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि कोई उधारकर्ता ऋण प्राप्त कर सकता है या नहीं। जिस व्यक्तियों या फिर कंपनियों और सरकारों की क्रेडिट रेटिंग उच्च होती है उनको वित्तीय संस्थानों या फिर राज्य सार्वजनिक ऋण बाजारों से उधार प्राप्त करने में आसानी होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां परोक्ष रूप से यह बताती हैं कि देश, संस्था या व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, उसको कितना ऋण देना खतरनाक है या नहीं, अर्थात वह कितना ऋण चुकाने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा या तो फिर बिजनेसमैन या फिर नौकरी करता है उन्हें जल्दी ऋण दे दिया जाता है, आपने देखा होगा, और जो नौकरी नहीं करता जो तो उसे बड़े मुश्किल में ऋण मिल पाता है। वैसे भी आपके देश में मुद्रा योजना है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आप जाते हैं ऋण लेने के लिए तो कहाँ मिलता है, आपको परेशान किया जाता है क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता है कि आप चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, इसलिए नहीं देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की स्कॉलरशिप रहती हैं और ऋण भी मिलता है कई तरह का आपका, लेकिन देखते हैं आप लोग जाइए तो आपको मना कर देंगे और घुमा फिरा के लौटा देंगे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता है। उपभोक्ता स्तर पर बैंक आमतौर पर क्रेडिट रेटिंग या फिर क्रेडिट स्कोर को ऋण की शर्तों का आधार बनाते हैं। आमतौर पर इसका अर्थ है कि क्रेडिट रेटिंग जितनी बेहतर होगी ऋण की शर्तें उतनी ही शिथिल होंगी। दूसरी ओर यदि आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब है तो बैंक आपको ऋण के अनुरोध की शर्तों को बहुत कठिन या फिर अस्वीकार भी कर सकता है। आपकी स्थिति के हिसाब से ऋण दिया जाता है, कहने का मतलब सीधा आप अगर चुकाने में संभव है, आप सक्षम है तो आपको अच्छे ब्याज पर, कम ब्याज पर और जल्दी ऋण मिल जाएगा। प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, भारत में मुख्यतः 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां काम कर रही हैं। क्रिस्टल यह भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने अपना परिचालन 1988 में शुरू किया था। इकरा, इस एजेंसी की स्थापना 1991 में एक स्वतंत्र और व्यावसायिक निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में अग्रणी वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा की गई थी। केयर, इस रेटिंग एजेंसी ने अपना परिचालन 1993 में शुरू किया था। DCR, इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को 1996 में स्थापित किया गया था। सिविल, यह सन 2000 में स्थापित भारत का पहला क्रेडिट सूचना ब्यूरो है जो उपभोक्ताओं और उधारकर्ताओं को क्रेडिट संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है। अब बात करते हैं विश्व की मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। फिच रेटिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1913 में जॉन नॉल्स फिच ने की थी। फिच रेटिंग एजेंसी की प्रणाली को पूरे विश्व में मानक के तौर पर अपनाया गया है। यह यूनाइटेड किंगडम की रेटिंग एजेंसी है। कहां की? यूनाइटेड किंगडम की। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी इसकी। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, ये जो भी आपकी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं और विश्व की हैं, ये आपके याद रखकर आप आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं और आपका जो आंसर होगा वो प्रभावशाली होगा। कैसा होगा? अच्छे नंबर दिए जाएंगे, तो इनको याद रख लीजिए। प्रीलिम्स में भी आप भी आपका कई जगह पूछ लेता है, ठीक है। फिर आपकी है एक S&P अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फिर मूडीज, जॉन मूडी ने 1909 में वित्तीय होल्डिंग कंपनी मूडीज कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। इसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में परिचालन 1914 के बाद से हुआ है। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग का महत्व आखिर क्या है, क्रेडिट रेटिंग देने का मतलब क्या है, क्या होता है इससे। गौरतलब है कि 1980 के दशक के बाद से देश में वित्तीय प्रणाली अधिक नियंत्रण मुक्त हो गई और भारतीय कंपनियां वैश्विक ऋण बाजारों से आधिकारिक ऋण लेने लगी। यही वजह है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की राय या फिर अनुमान आधिकारिक, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होते हैं। क्रेडिट रेटिंग का महत्वपूर्ण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निवेश से संबंधित जोखिमों को उजागर करके निवेशकों और उधार प्राप्तकर्ता इकाइयों के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। यानी कि ये बता देती है किसी कंपनी की रेटिंग एजेंसी यानी कि क्रेडिट रेटिंग क्या है इसकी, या फिर किसी व्यक्ति की बता देती है या फिर किसी देश की बता देती है, फिर उधार देने वाले सचेत हो जाते हैं कि ये चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसीलिए बता दिया। निवेश को प्रोत्साहित करने में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इन एजेंसियों द्वारा
किसी देश की रेटिंग को कम करके बताने से देश में विदेशी निवेश का वातावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। आप समझिए कि अगर किसी देश की स्थिति खराब है तो कोई वहां किस लिए निवेश करेगा, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है इस पर। जबकि क्रेडिट रेटिंग में सुधार होने से देश के अंदर अधिक से अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। संस्थागत निवेश केवल उन्हीं प्रतिभूति बाजारों में निवेश करना बेहतर मानते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग उच्च होती है, यानी कि अधिक होती है। बेहतर क्रेडिट रेटिंग देश में राजनीतिक स्थायित्व को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि सरकार का आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन बेहतर होता है और विकास की संभावना को बल भी मिलता है। आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं, आपके इन्हें भी देख लिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसी भी देश के वित्त एवं पूंजी बाजार की महत्वपूर्ण समीक्षक हैं, परंतु विकसित एवं विकासशील देशों में इनकी विफलताओं के कारण इन पर निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अच्छी रेटिंग दिए जाने के बावजूद कंपनियां बैंक करप्शन सूची में शामिल हो रही हैं, जो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। फिर आपकी पारदर्शिता का अभाव इसमें देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि कंपनियां अपनी रेटिंग सुधारने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भुगतान करती हैं। इससे कंपनियों को कागजी रूप से जोखिम सहन करने हेतु जो सक्षम पाया जाता है, परंतु वास्तविक रूप से वे बाजार की जोखिम को उठाने में सक्षम नहीं होती है। वो तो यही हालत है कि आपको बैंक में जाइए और कुछ उन्हें पैसा दीजिए और वो आपकी स्थिति यानी कि आपकी पोजीशन सही बता देंगे और आपको ऋण जल्दी दिला देंगे, फिर चाहे आप चुका पाए या ना चुका पाए। सटीक रेटिंग में समस्या। रेटिंग एजेंसियां द्वारा दी गई रेटिंग हमेशा सटीक हो यह भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि कंपनियों के बारे में प्राप्त सूचना की प्रामाणिकता का कोई मानक निर्धारित नहीं है। सोवरेन रेटिंग का संबंध। एक बात यह भी है कि विदेश से उधार जुटाने वाली कंपनी की रेटिंग उस कंपनी के देश के सोवरेन रेटिंग से जुड़ी होती है। लिहाजा अगर भारत में किसी कंपनी की रेटिंग AAA हो तो भी भारत की सोवरेन रेटिंग Baa2 होने के कारण इंटरनेशनल लेवल पर उसकी रेटिंग कम हो जाएगी। यही हाल विदेशी कंपनियों के साथ भी है। हितों के टकराव। आम राय है कि रेटिंग एजेंसियों के बिजनेस मॉडल से जुड़े हितों के टकराव के कारण रेटिंग मैग्निज्म की साख कम हुई है। रेटिंग एजेंसियों को वही कंपनियां पैसा देती हैं जो उधार ले रही होती हैं। इसके चलते ऐसे मामले सामने हमें देखने को मिले हैं जिनमें कंपनियों के प्रमोटर अनुकूल रेटिंग की जुगत बढ़ाते हैं। ए रेटिंग लायक कंपनियों को AA या फिर इससे ऊंची रेटिंग दे दी जाती है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसियां अपने रेवेन्यू मॉडल को से भी प्रभावित होती हैं। पर गारंटी नहीं। निवेशकों को यह समझना चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग कोई गारंटी नहीं है, बल्कि रेटिंग एजेंसी की राय भर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों के को क्रेडिट रेटिंग को पवित्र नहीं मान लेना चाहिए, यानी कि इस पर कमी भरोसा करना चाहिए। रेटिंग का पैच। भारत में ये AAA रेटिंग वाली ज्यादातर कंपनियां सरकारी क्षेत्र की हैं, जिनको उनमें सरकार की हिस्सेदारी के चलते अर्ध सरकारी दर्जा हासिल है। दूसरे देशों में AAA रेटिंग वाली कंपनियां मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर की हैं। इसके अलावा भारतीय रेटिंग एजेंसियां जिन पैमाने का इस्तेमाल करती हैं वह रुपये में उधारी से जुड़ा है, जबकि इंटरनेशनल रेटिंग्स डॉलर या फिर दूसरी विदेशी मुद्राओं में से जुड़ी होती हैं। इन्हें देसी कंपनियों को अगर वैश्विक मानक पर कसा जाए तो इनकी रेटिंग कम रहेगी। लिहाजा AAA रेटिंग वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रेटिंग इंटरनेशनल स्केल पर घटकर Baa2 रह जाती है। मानकों में एकरूपता की कमी भी देखी जाती है। भारत की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग के अलग अलग मानक हैं, जिससे निवेशक को निर्णय लेने में काफी समस्या भी होती है। जवाबदेही की कमी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को पर्याप्त स्वतंत्रता और प्रशासनिक मजबूती नहीं दी गई है। बाहरी विशेषज्ञों द्वारा आंतरिक विशेषज्ञों को अक्सर हटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां चूंकि किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, अतएव विश्वसनीयता की कमी इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। निष्पक्षता का अभाव देखा जाता है इनमें। अभी भी इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है जिससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सरकार अथवा दबाव समूह से मुक्त किया जा सके। भारत की क्रेडिट
गिरती क्रेडिट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर हमारी गिरती क्रेडिट स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। मूडी दुनिया की तीसरी बड़ी रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की रेटिंग को गिराया है। दो अन्य एजेंसियां फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर पहले ही हमारी रेटिंग गिरा चुकी हैं। इससे पहले 1998 में भारत की रेटिंग इस स्तर पर गिराई गई थी कि जब भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। आपको पता होगा कि 1998 में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उन्हें इसका सफलता का श्रेय दिया गया था। हालांकि सामान्य तौर पर भारत सरकार विदेशी बाजारों में से कर्ज नहीं लेती है, इसलिए सरकार संदर्भ में सरकार क्रेडिट रेटिंग का ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए इसका दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों पर पड़ता है। रेटिंग कम होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग गिरने का अर्थ है कि भारत सरकार विदेशी बाजारों या फिर घरेलू बाजारों में ऋण लेने के लिए जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों को कम भरोसेमंद माना जाएगा, जिसके फलस्वरूप भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेटिंग BA3 कर दी है अभी हाल में, जिसे निवेश ग्रेड का सबसे निचला पायदान कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि भारत सरकार की तरफ से जारी होने वाली लंबी अवधि के बॉन्ड को जोखिम भरा मानकर उनमें निवेश नहीं किया जाएगा, निवेश करने से लोग डरेंगे। देश की क्रेडिट रेटिंग गिरने के साथ ही देश की सभी कंपनियों की रेटिंग की अधिकतम सीमा भी वही हो जाती है। किसी भी रेटिंग एजेंसी के हिसाब में किसी भी निजी या फिर सरकारी कंपनियों की रेटिंग उस देश की संप्रभु रेटिंग से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर रेटिंग इससे भी नीचे गिरती है तो भारत को ऋण मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। यदि ऋण मिलता भी है तो यह सूदखोरों से मिलने वाले ऋण के समान होगा, जिसमें ऋण पर ब्याज दर काफी उच्च होती है। इससे देश ऋण के जाल में फंसता चला जाता है, जला जाए। हालांकि कम रेटिंग को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार ने खर्च को रोकना शुरू कर दिया तो फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेटिंग कम होने पर निवेश पर भी प्रभाव पड़ता है, जो कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को प्रभावित करती है, क्योंकि लोग निवेश करने से भी डरते हैं। रेटिंग में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले कदम क्या हो सकते हैं, उन्हें भी देख लीजिए। भारत की रेटिंग में होने वाली कमी को रोकने के बजाय उसमें सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए उन प्रमुख चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिनको आधार बनाकर मूडीज ने रेटिंग को कम किया है। कई अर्थशास्त्रियों और भारतीय रिजर्व बैंक RBI का भी अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी और केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा GDP के 12% तक रहने की उम्मीद है। मूडीज के अनुसार 2020-21 में भारत की सार्वजनिक ऋण GDP अनुपात का 72% से बढ़कर 84% हो जाएगा। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण को बढ़ाए बिना विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार घाटे का मुद्रीकरण कर सकती है। घाटे के मुद्रीकरण के लिए केंद्रीय बैंक आमतौर पर ट्रेजरी बिल खरीद कर सरकार को धन देता है, लेकिन केंद्रीय बैंक केवल इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग प्रविष्टि के माध्यम से ही ट्रेजरी खाते में धन हस्तांतरित कर सकता है। इस प्रकार विकास की चिंताओं को दूर करते हुए ऋण GDP अनुपात को नियंत्रण में रखा जा सकता है। सरकार को आर्थिक सुधारों के साथ GST में सुधारों की ओर बढ़ना चाहिए। सरकार को विनिवेश के लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए जो सरकार को अल्पकालीन लाभ देगी। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? निसंदेह क्रेडिट रेटिंग के घटने से अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारण नहीं है। राजनीतिक अस्थायित्व, नीतिगत विफलताएं, महामारी जैसी परिस्थितियां भी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हालांकि भारत के लिए सुखद खबर है कि जिसके तहत फिच और S&P ने अगले 2 साल में यानी कि 2022 तक भारत की विकास दर 8.5 से 9.5 तक होने की भविष्यवाणी की है। अब देखेंगे आने वाले समय में क्या स्थिति इसकी रहती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार लंबे समय की रेटिंग पर भारत का परिदृश्य स्थिर है, जो यह उम्मीद देती है कि कोविड यानी कि कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और देश अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखेगा।
इसलिए सरकार को क्रेडिट रेटिंग घटने से परेशान होने के बजाय आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन को बेहतर करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किया गया 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन का बेहतर इस्तेमाल भारत की संप्रभु रेटिंग में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये स्थिति थी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की और भारत की स्थिति, ठीक है।